वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शामी कबाब, रेशे वाले शामी कबाब। इसमें रेशा होता है, गोश्त के बनते हैं ये, बिल्कुल इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा सा हटके बनाती हूँ इसमें, नया नया टेस्ट, नया नया फ्लेवर्स डाल के। ये सॉसेस वगैरह मैं डालती हूँ इस तरह से, ये चिली सॉस, सोया सॉस, ये वेनेगर, और इसे बहुत अच्छे मैरिनेट करके गोश्त को मैं रखती हूँ। ये बहुत अच्छे जो है कबाब बनते हैं रेशे वाले, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं कीमे के नहीं, ज़्यादातर मैं गोश्त के ही बनाती हूँ। तो ये बकरा ईद पर आप लोग सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डाल लिए यहाँ पर मैंने एक कप, बड़ा वाला एक कप था, इसे मैंने 3 घंटे के लिए दाल को, चने की दाल को भिगो दिया था ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। मैं ये लाल मिर्ची डालूंगी साबुत गोल वाली, 7-8-9 अदद हैं ये, और ये बड़ी वाली इलायची ली है मैंने यहाँ पे 4 अदद, और ये लौंग ली है मैंने 1/2 टीस्पून, ये मेरी लौंग है 1 टीस्पून के करीब है ये, और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं यहाँ पे मैंने 2 लिए थे, इसे मैंने इस तरह से काट तोड़ लिया है। काली वाली गोल मिर्च ली है यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, और ये साबुत धनिया लिया है यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून, ये पूरा 2 टेबल स्पून है, ये मैं पूरा डालूंगी। और यहाँ पे बादियान का फूल लिया है मैंने 1 अदद, और प्याज ली है मैंने यहाँ पर 1.5, यानी कि 1 पूरी और छोटी वाली दरमियाने साइज़ की 1 प्याज है, और इससे जो है मैंने 4 टुकड़े कर लिए, और 1 पूरी है और 1 आधी है, यानी कि 1.5 प्याज ली है मैंने। और पानी लूँगी मैं यहाँ पर तकरीबन 1 बोतल के करीब इस तरह से, और गोश्त लिया है यहाँ पर मैंने 1/2 kg, मेरा गोश्त है थोड़ा सा ज़्यादा है 1/2 kg से, और इसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ये चिली सॉस, सोया सॉस और वेनेगर लगा के, और थोड़े से नमक मिर्ची वगैरह लगा के। आप इस क्लिप में देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। अगर गोश्त आपका इस तरह से 1 वीक पुराना हो और इसकी कुछ रंगत इस तरह से हो कि मेरा 1 हफ्ता पुराना गोश्त है, इसे मैंने वॉश किया था और इसकी रंगत कुछ इस तरह से है, तो इसे मैं ना थोड़ी सी देर मैरिनेट करके रखूँगी मसालों के साथ ना, ये कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, मिर्ची वगैरह, और ये सोया सॉस, चिली सॉस और वेनेगर के साथ मैं इसे ना सिरके के साथ इसे थोड़ी सी देर ना मतलब 1/2-1.5 घंटा, अगर आप ओवरनाइट कर देंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। इसी हुई मिर्च डालूँगी 1/2 टीस्पून, हल्दी ऐड करूंगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और नमक डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून, लाल कुटी हुई मिर्च डालूंगी इसके अंदर मैं ये भी 1/2 टीस्पून। सब कुछ साबुत गोल मिर्च मैं नहीं डालूंगी कि मैं जब बॉईल करूंगी गोश्त को तब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, चिली सॉस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये भी 1 टेबल स्पून, वेनेगर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, ये 1/2 चम्मच लिए मैंने, पूरी नहीं ली। इस तरह बनाने से शामी कबाब और अच्छे बनते हैं। मैं कीमे के नहीं बना रही हूँ, मैं गोश्त के बना रही हूँ, साबुत जो गोश्त होता है बड़ा वाला, पीसेस जो होती हैं बोटियाँ, मैं उसके बना रही हूँ। मिक्स करके अच्छे तरीके से रख दूँगी, अब इसे जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, इसे मैं बिल्कुल कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, फिर मैं इसे बॉईल के लिए रख दूँगी। चाहे तो फ्रीज़र में रख दें आप, चाहे तो रूम टेम्परेचर पर रख दें, मैं ऐसे नीचे फ्रिज में रखती हूँ। पहले मैंने एक ये पतीला लिया है जिसमें मुझे जो है ये गोश्त और की ये शामी कबाब का जो गोश्त है ये मुझे इसके अंदर डाल के उबालना है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी मैरिनेट किया हुआ गोश्त, दाल जो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, Thank you.
मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सारे मसाले, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली वाली गोल मिर्च और ये सारे साबुत मसाले। और ये डेढ़ जो है प्याज है, एक प्याज के मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे और एक प्याज ये बिल्कुल आधी वाली ये है, डेढ़ प्याज मैंने इसके अंदर डाली है दरमियाने साइज़ की। अब मैं इसके अंदर पानी की ये पूरी बोतल डाल, पानी की जो बोतल थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, एक गिलास मज़ीद और मैंने ऊपर से इसके अंदर डाला है। और अब मैं इसे फ्लेम पे रख के और फ्लेम को जो है ना तेज़ आंच पे इसे बॉईल करूँगी। तो इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, बॉईल मैं इसे मीडियम कर दूँगी, जो मैंने गोश्त रखा है ये बिल्कुल बॉईल हो गया है। अब इसका मैं फ्लेम बिल्कुल ऑन बिल्कुल स्लो कर दूँगी, मीडियम पे रख दूँगी इसका फ्लेम। और इसका पानी मैं इसे इतना पकाऊँगी कि इसका पानी जो है सारा ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी जब तक इसका पानी खुश्क। गोश्त मेरा तैयार हो गया है बिल्कुल, इसका ये पानी जो था बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अच्छा, इसके अंदर जो है मैं एक अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, बताना आप सबको भूल गई थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का 2 टेबल स्पून पेस्ट ऐड किया था। और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, बहुत अंधेरा था इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया, लेकिन मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने ऐड किया था, पिसा हुआ अदरक लहसुन। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, सबसे पहले आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पीस सकते हैं गोश्त को, और चाहें तो इमाम दस्ते में या कुंडी डंडा जो होता है उसमें भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा रेशे वाला। लेकिन अभी मुझे थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मैं इसे चॉपर में कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया, एक मुट्ठी मैंने धनिया ली है और ये 10 से 12 अदद यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्चें और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया। और पुदीना लिया है यहाँ पे मैंने, एक मुट्ठी पुदीना है और 2 अदद अंडे हैं। तो अब इसे सबसे पहले मैं ब्लेंडर में डालूँगी, सबसे पहले इसे ब्लेंडर में मैं डालूँगी ये चॉपर के अंदर धनिया, मिर्ची, पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दी। अब मैं इसे ग्रेट कर लूँगी, चॉप कर लूँगी पहले इसे मैं। चॉप हो गया है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये मसाला पिसा हुआ हमारा, सॉरी बॉईल किया हुआ मसाला कबाब का। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ये 2 अंडे, अब इसे कवर कर देंगे, कवर कर देंगे और इसे दोबारा। बस अब ये हो गया है, इसे अब मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा मसाला पिस गया इतना अच्छा इसके अंदर, अच्छे तरीके से गोश्त भी सारा पिस गया इसके अंदर, बोटियाँ जो थी सारी और दाल भी पिस गई। तो मसाला जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पिस गया है ये गोश्त, ये देखें कीमे के नहीं बिल्कुल गोश्त के हैं, मैं फ्राई करके भी आपको दिखाऊँगी। और इसके अंदर जो है मैंने अभी कुछ भी नहीं हाथों पर लगाया, मतलब कबाब बनाऊंगी तो ना मेरे हाथ पे जो है तेल है, ऑयल है और ना ही पानी है, मैं ऐसे ही से बनाऊंगी और ये बन जाएंगे, टूटेंगे बॉईल करके इंशाल्लाह। अपने कीमे और मटेरियल के हिसाब से 2 आलू या 1 आलू बड़ा वाला इतने साइज का आप ले लें, उसे बॉईल करके आप इसके साथ ही ग्रेट कर लें तो ये बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं होगा बल्कि ये हार्ड इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया तो मेरा ये बिल्कुल बैटर जो है ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं कबाब बनाऊंगी, देखिए मैंने हाथ में कुछ भी नहीं लगाया। ना मैंने ऑयल लगाया और ना ही मैंने पानी लगाया, ऐसे करेंगे। आपको कबाब का साइज जितना भी बड़ा रखना है, जितना भी मोटा रखना है आप रख सकते हैं, ये क्रैक भी नहीं होंगे। मोटे पसंद है तो मैं मोटे ही बना रही हूँ, आपको अगर बिल्कुल बारीक पसंद है तो आप बारीक भी बना सकते हैं। ये देखो कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है, अब मैं इसे ट्रे में रख दूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूंगी,
मैंने हाथों पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया और ना ही जो है मैंने ऑयल लगाया है, बिल्कुल मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इसी तरह जो है ये मैं सारे कबाब बना लूँगी। ये देखिए मेरे इतने सारे बन गए, अब जो ये बचा है बैटर ये मैं इसके भी बना लूँगी इसी तरह से सारे। तो ये मेरा लास्ट वाला भी बन गया बिल्कुल। अब इसे सेव किस तरह से करेंगे मैं वो भी बताऊंगी। तो अब मैं इसे सेव करूंगी इस बॉक्स के अंदर। एक बॉक्स लिया है मैंने, एयर टाइट जार है ये, इसके अंदर मैं कबाब की लेयर लगा दूंगी। इस ट्रे को भी मैं रख सकती थी रैपिंग शीट से रैप करके, लेकिन फ्रिज में इतनी जगह नहीं है, स्पेस कम हो तो मैं इस तरह से रखती हूँ। मैं रख रही थी तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं किस तरह से ये सेव करती हूँ। इस तरह से मैंने कबाब रखे हैं, अब मैं इसके ऊपर रखूंगी बटर पेपर। तो ये आपस में ना चिपकेंगे नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जो दूध की शॉपर्स होते हैं जिसमें हमारे घर में दूध आता है पाव वाले या आधा किलो वाले, उससे आप वॉश करके और उसको जो कट करके आप वो भी रख सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं बटर पेपर रखती हूँ तो ये मुझे सही लगता है। अब मैं इसी तरह से ये सारे रख दूँगी। ये देखें एक लेयर इसके नीचे है, एक लेयर ऊपर आ गई। अब फिर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ये, तो इस तरह काफ़ी सारे कबाब इस तरह से आ जाएंगे। ये मैक्सिमम 20 दिन 1 मंथ आप स्टोर कर सकते हैं, 15 डेज के लिए भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं आप। अभी जो है ये 5 कबाब जो है मैं फ्राई कर लूँगी, इसकी इतनी मुझे ज़रूरत है। और ये बाकी मैं इस तरह से कवर करके फिर से इसको और ढक कर और उसको मैं डिफ्रीजर में रख दूँगी, फ्राई पैन में करूँगी फ्राई। ऑयल डालूँगी मैं इसके ऊपर। ऑयल जो है इसमें अब गर्म हो रहा है पैन में, गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें कबाब रख दूँगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से, अब मैं इसके ऊपर ही कबाब फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई अंडे में इसको डिप नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इसे फ्राई करूँगी। दोनों साइड से आप इसके देखें कितना अच्छा कलर आया है, यहाँ से भी सबका दोनों साइड से कलर बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी डिश के अंदर। तैयार है हमारे यहाँ पे शामी कबाब, रेशे वाले शामी कबाब, इतने मज़े के बने हैं ये। ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कैसे बने हैं ये। ये देखें रेशा, देखें इसके अंदर कितना है, बिल्कुल गोश्त की जो बोटियाँ हैं उस तरह से इसका रेशा है। ये बहुत ही मज़े के और लाजवाब बने हैं। तो तैयार है यहाँ पे मेरे रेशा कबाब और ये इतने मज़े के बने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरह अच्छी सी प्यारी सी झटपट रेसिपी के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।